कल मैंने आगाह किया था चुनाव आयोग को भी, दिल्ली पुलिस प्रशासन को भी, कि बड़े बवाल की तैयारी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में कर रही है और एक गहरी साजिश गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रची जा रही है दिल्ली में चुनाव टालने के लिए। पहले आपने देखा जामिया की घटना हुई, वहां एक अपराधी तमंचा लहराते हुए गोली चलाता है। आज फिर से एक अपराधी खुलेआम गोली चला रहा है और मुझे तो आश्चर्य है कि देश की राजधानी दिल्ली में, जहां आज बजट सेशन हुआ, उसकी शुरुआत हुई, प्रधानमंत्री जी मौजूद है, पूरी की पूरी सरकार मौजूद है, गृह मंत्री मौजूद है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, कोई भी कहीं भी तमंचा दगा रहा है। इसको तमंचा स्कूल से निकले हुए लोग अपराध का अड्डा बनाना चाहते हैं दिल्ली को। और चुनाव आयोग से कल से हम लोगों ने समय मांगा है, तमाम वीडियो मैसेज और दूसरे तरह के मैसेजेज जो इस बात का संकेत हैं दिखाना चाहते हैं, उनको हम दिखाना चाहते हैं कि यहां पर बवाल की तैयारी है, यहां पर दिल्ली का माहौल बिगाड़ने की तैयारी है। चुनाव में हार के डर से भारतीय जनता पार्टी कोई भी अनहोनी घटना को अंजाम दे सकती है, लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कल से लेकर आज तक चुनाव आयोग का कोई भी अधिकारी हमसे मिलने के लिए तैयार नहीं हुआ, अभी तक उनका समय नहीं मिल पाया। ये हो क्या रहा है दिल्ली में? चुनाव चल रहा है, आचार संहिता लगी हुई है, चुनाव आयोग की देखरेख में इस वक्त कानून व्यवस्था है और कोई भी कहीं भी तमंचा चला रहा है, गोली चला रहा है, बंदूक चला रहा है और इस प्रकार के भड़काऊ भाषण इनके नेताओं के द्वारा दिए गए हैं। पहले दो केंद्रीय मंत्रियों ने अमित शाह के इशारे पर बयान दिया, भड़काऊ बयान दिया, उसके बाद अभी आज सुबह से उत्तर प्रदेश से योगी आ गए हैं जिन्होंने यूपी को रोगी बना दिया। वो योगी आके यहां पे मनोरोगी की तरह बात कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने आज इतना आपत्तिजनक बयान दिया, वो कह रहे हैं पाकिस्तान से तार जुड़े हुए हैं केजरीवाल के, योगी को तुरंत गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की जाए कौन सी जानकारी उनके पास है, किस आधार पर उन्होंने ये बात कही। कोई अरविंद केजरीवाल को आतंकवादी कह रहा है, कोई कह रहा है पाकिस्तान से तार जुड़े हुए हैं, कोई कह रहा है बंदर हैं, जो मन में आया बोला जा रहा है। यहां पे आज आप देखिए ये मनोरोगी का बयान अरविंद केजरीवाल की बीमारी का मजाक उड़ा रहा है। जिस व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश को रोगी बना दिया वो अरविंद केजरीवाल की बीमारी का मजाक उड़ा कर रहा है, उसका तो दम घुटता है। अरे योगी जी, तुम्हारे गृह जनपद गोरखपुर में 60 बच्चों का दम घुट गया, उनका जीवन चला गया, इसलिए कि तुम उनको ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा पाए। यहां दिल्ली में आके बड़बोला भाषण दे रहे हो। तुम्हारे राज में उत्तर प्रदेश के अंदर कुलदीप सेंगर का कांड हुआ, बलात्कार के बाद हत्या के प्रयास की घटना हुई और पूरी की पूरी तुम्हारी सरकार उनके साथ खड़ी हुई नजर आती है। तो ये चिन्मयानंद का चेला योगी आदित्यनाथ जो दिल्ली में आके भाषण दे रहा है, इसको मैं कहना चाहता हूं, अपनी भाषा पे संयम रखो, वरना अगर दिमागी संतुलन बिगड़ गया है तो दिल्ली में मुफ्त इलाज होता है, मनोचिकित्सक के पास जाओ, फ्री में तुम्हारा इलाज करवा देंगे। अनाप शनाप बातें करना बंद करो। यहां पर आए हो तो बताओ 200 यूनिट बिजली का दाम कितना है उत्तर प्रदेश में, कितना दाम है उत्तर प्रदेश के अंदर? 7 रुपए यूनिट बिजली का दाम है, यहां जीरो है 200 यूनिट तक।
यहां आए हो तो बताओ, उत्तर प्रदेश में नमक रोटी देते हो मिड डे मील में बच्चों को खाने के लिए, और यहां स्कूलों के अंदर एयर कंडीशन कमरे बच्चों की पढ़ाई के लिए बने हैं, जाके यहां मिड डे मील की व्यवस्था देखो। यहां आए हो तो बताओ, दिमागी बुखार से हजारों बच्चों की मौत हो गई उत्तर प्रदेश में, और दिल्ली के अंदर डेंगू की बीमारी से लड़ने के लिए पूरी दिल्ली को हमने खड़ा किया, एक साथ लेकर आए हम, और एक भी मौत डेंगू से नहीं हुई दिल्ली में। अगर आए हो योगी जी तो काम पे चर्चा करो और बताओ उत्तर प्रदेश के अंदर 10 साल 6 साल 8 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, और तुम चिन्मयानंद के चेले बनके उस बलात्कारी के समर्थन में खड़े हो और यहां आके ज्ञान दे रहे हो। केजरीवाल को खांसी आती है, दम घुटता है, वो इलाज कराने चला जाता है, और इन सब के बीच चुनाव आयोग खामोश है। चुनाव आयोग इन घटनाओं का संज्ञान नहीं ले रहा है। आज एक बयान सुबह सुबह आता है रविशंकर प्रसाद जी का, हम बातचीत से शाहीनबाग का मसला हल करना चाहते हैं, हमने भी उसका स्वागत किया। शाम हो गई, कहीं कुछ पता नहीं। इसका मतलब मुंह जबानी जमा खर्च, इसका मतलब सिर्फ बयानबाजी। अरे केंद्र की एक सरकार बैठी हुई है, मैं आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने कोई अपनी ओर से पहल कर दी, बाद में आपको रोका गया क्या? किसने रोका, किसने आपको मना किया बातचीत करने से? उस व्यक्ति के नाम का खुलासा कीजिए, वरना तो मुझे तो मालूम है उस व्यक्ति का नाम है अमित शाह, जो दिल्ली में बवाल कराना चाहता है, जो दिल्ली में माहौल बिगाड़ना चाहता है, जो दिल्ली में हिंसा फैलाना चाहता है, जो दिल्ली का चुनाव टालना चाहता है। और इसलिए अगर चुनाव आयोग ने इन घटनाओं से सख्ती से निपटने का प्रयास नहीं किया तो आने वाले दिनों में दिल्ली के अंदर बड़ी अनहोनी घटनाओं की तैयारी, अराजक घटनाओं की तैयारी हो रही है। दूसरी ओर आज बहुत सारे आंदोलन मुंबई में चल रहे थे, उन्होंने अपना आंदोलन वापस लिया। मैं समझता हूं कि इस समय धैर्य और समझदारी आंदोलन चलाने वाले लोगों को यह दिखानी चाहिए कि कोई ऐसा बवाल, कोई ऐसी हिंसा फैलाकर राजनीतिक लाभ लेने का भारतीय जनता पार्टी का मंसूबा सफल ना होने पाए, इसलिए आप लोग स्वयं से अपने आंदोलन के बारे में पुनर्विचार भी कीजिए। बस मुझे इतनी बात कहनी थी। कल मैंने आगाह किया था चुनाव आयोग को भी, दिल्ली पुलिस प्रशासन को भी, कि एक बड़े बवाल की तैयारी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में कर रही है और एक गहरी साजिश गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रची जा रही है दिल्ली में चुनाव टालने के लिए। पहले आपने देखा जामिया की घटना हुई, वहां एक अपराधी तमंचा लहराते हुए गोली चलाता है, आज फिर से एक अपराधी खुलेआम गोली चला रहा है, और मुझे तो आश्चर्य है कि देश की राजधानी दिल्ली में, जहां आज बजट सेशन हुआ, उसकी शुरुआत हुई, प्रधानमंत्री जी मौजूद है, पूरी की पूरी सरकार मौजूद है, गृह मंत्री मौजूद है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, कोई भी कहीं भी तमंचा दगा रहा है, इसको तमंचा स्कूल से निकले हुए लोग अपराध का अड्डा बनाना चाहते हैं दिल्ली को, और चुनाव आयोग से कल से हम लोगों ने समय मांगा है। तमाम वीडियो मैसेज और दूसरे तरह के मैसेजेज जो इस बात का संकेत हैं, उनको हम दिखाना चाहते हैं कि यहां पर बवाल की तैयारी है, यहां पर दिल्ली का माहौल बिगाड़ने की तैयारी है, चुनाव में हार के डर से भारतीय जनता पार्टी
कोई भी अनहोनी घटना को अंजाम दे सकती है। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, कल से लेकर आज तक चुनाव आयोग का कोई भी अधिकारी हमसे मिलने के लिए तैयार नहीं हुआ, अभी तक उनका समय नहीं मिल पाया। यह हो क्या रहा है दिल्ली में? चुनाव चल रहा है, आचार संहिता लगी हुई है, चुनाव आयोग की देखरेख में इस वक्त कानून व्यवस्था है, और कोई भी कहीं भी तमंचा चला रहा है, गोली चला रहा है, बंदूक चला रहा है, और इस प्रकार के भड़काऊ भाषण इनके नेताओं के द्वारा दिए गए हैं। पहले दो केंद्रीय मंत्रियों ने अमित शाह के इशारे पर बयान दिया, भड़काऊ बयान दिया, उसके बाद अभी आज सुबह से उत्तर प्रदेश से योगी आ गए हैं, जिन्होंने यूपी को रोगी बना दिया, वो योगी आके यहां पे मनोरोगी की तरह बात कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने आज इतना आपत्तिजनक बयान दिया, वो कह रहे हैं पाकिस्तान से तार जुड़े हुए हैं केजरीवाल के, योगी को तुरंत गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की जाए, कौन सी जानकारी उनके पास है, किस आधार पर उन्होंने ये बात कही। कोई अरविंद केजरीवाल को आतंकवादी कह रहा है, कोई कह रहा है पाकिस्तान से तार जुड़े हुए हैं, कोई कह रहा है बंदर हैं, जो मन में आया बोला जा रहा है। यहां पे आज आप देखिए ये मनोरोगी का बयान अरविंद केजरीवाल की बीमारी का मजाक उड़ा रहा है। जिस व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश को रोगी बना दिया वो अरविंद केजरीवाल की बीमारी का मजाक उड़ाया करे, उसका तो दम घुटता है। अरे योगी जी, तुम्हारे गृह जनपद गोरखपुर में 60 बच्चों का दम घुट गया, उनका जीवन चला गया, इसलिए कि तुम उनको ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा पाए, यहां दिल्ली में आके बड़बोला भाषण दे रहे हो। तुम्हारे राज में उत्तर प्रदेश के अंदर कुलदीप सेंगर का कांड हुआ, बलात्कार के बाद हत्या के प्रयास की घटना हुई, और पूरी की पूरी तुम्हारी सरकार उनके साथ खड़ी हुई नजर आती है। तो ये चिन्मयानंद का चेला योगी आदित्यनाथ जो दिल्ली में आके भाषण दे रहा है, इसको मैं कहना चाहता हूं, अपनी भाषा पे संयम रखो, वरना अगर दिमागी संतुलन बिगड़ गया है तो दिल्ली में मुफ्त इलाज होता है, मनोचिकित्सक के पास जाओ, फ्री में तुम्हारा इलाज करवा देंगे। अनाप शनाप बातें करना बंद करो। यहां पर आए हो तो बताओ 200 यूनिट बिजली का दाम कितना है उत्तर प्रदेश में, कितना दाम है उत्तर प्रदेश के अंदर? 7 रुपए यूनिट बिजली का दाम है, यहां जीरो है 200 यूनिट तक। यहां आए हो तो बताओ उत्तर प्रदेश में नमक रोटी देते हो मिड डे मील में बच्चों को खाने के लिए, और यहां स्कूलों के अंदर एयर कंडीशन कमरे बच्चों की पढ़ाई के लिए बने हैं, जाके यहां मिड डे मील की व्यवस्था देखो। यहां आए हो तो बताओ दिमागी बुखार से हजारों बच्चों की मौत हो गई उत्तर प्रदेश में, और दिल्ली के अंदर डेंगू की बीमारी से लड़ने के लिए पूरी दिल्ली को हमने खड़ा किया, एक साथ लेकर आए हम, और एक भी मौत डेंगू से नहीं हुई दिल्ली में। अगर आए हो योगी जी तो काम पे चर्चा करो और बताओ उत्तर प्रदेश के अंदर 10 साल 6 साल 8 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, और तुम चिन्मयानंद के चेले बनके उस बलात्कारी के समर्थन में खड़े हो और यहां आके ज्ञान दे रहे हो। केजरीवाल को खांसी आती है, दम घुटता है, वो इलाज कराने चला जाता है, और इन सब के बीच चुनाव आयोग खामोश है। चुनाव आयोग इन घटनाओं का संज्ञान नहीं ले रहा है। आज एक बयान सुबह सुबह आता है रविशंकर प्रसाद जी का, हम बातचीत से शाहीनबाग का मसला हल करना चाहते हैं, हमने भी उसका स्वागत किया। शाम हो गई कहीं